अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो जैपनीज में लैंड क्रूजर्स आते हैं उसमें जैसे ये इसके नीचे जैपनीज में लिखा है, मैं कोशिश करूंगा कि जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट ना किया उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जिसमें टोटल जैपनीज में आता है उसमें आप ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं LC200 है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ऑन हो चुके, आपने ये वाला जो बटन है ना लास्ट, सबसे पहले आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ से आपने ब्लूटूथ में आना है, देन रजिस्टर्ड डिवाइस, ये तो बहुत आसान है। यहाँ से आप ऐड डिवाइस करेंगे, आप मैक्सिमम 5 डिवाइसेज ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेज ऐड हैं तो यहाँ से आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव के लिए आपने इसमें आना है, लेट सपोज मैं कहता हूँ मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये रिमूव होगी। अब इसके बाद जब ये रिमूव हो जाएगी तो इसके बाद मैं अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकूंगा, काफ़ी इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सिस्टम बहुत ज़्यादा लैगी और स्लो सिस्टम्स है, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट सिस्टम नहीं है। तो यहाँ से मैं ऐड डिवाइस करूँगा, यहाँ पे ये पासवर्ड दे रहा है तो इससे मेरा ही डिवाइस ऐड हो जाएगी। जब मैं इसको सिंपली कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन के साथ और आपको फिर दिखाता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होता है। अब देख सकते हैं फ़ोन मेरा कनेक्ट हो चुका है। फॉर ऑडियो और टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेट, ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो सिस्टम है तो टाइम लगाएगा। अच्छा जी, इसको ओके कर देते हैं, कनेक्ट हो गया। अभी मैं इसका ब्लूटूथ कनेक्ट कर चुका हूँ। आपने इस बटन को होल्ड करना है, ये जो ये वाला दिया गया, इसको एक बार और होल्ड करेंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ आ जाएगा। ब्लूटूथ करेंगे तो आपका ऑब्वियसली ब्लूटूथ पेयर हुआ होगा तो यहाँ से आप इसमें म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हैं। अब मैंने फ़ोन में कोई म्यूज़िक नहीं लगाया, जैसे मैं म्यूज़िक लगाऊंगा तो यहाँ पे म्यूज़िक प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका ऑडियो कंट्रोल दिया गया है, आप इससे करेंगे तो आपके वॉल्यूम एडजस्ट हो जाएगी। बाकी ये इसके डिफरेंट ऑप्शंस है जिसमें आपके, अगर वॉल्यूम में जाता हूँ तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं अपने हिसाब से बेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीकर आपने कहाँ पर रखना है और कैसे रखना है। देन सराउंड साउंड ऑन करना चाहते हैं वो हो जाती है, देन यहाँ से आप बैक आते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस इसके दिए गए हैं। यहाँ से आप दोबारा अगर ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, ये एक शॉर्टकट है, यहाँ से आप करेंगे तो ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है, जो पहले मैंने तरीका बताया था वो ऑब्वियसली इसका डिटेल लॉन्ग कट व्यू था। तो इस तरह आप इसमें ब्लूटूथ डिवाइस ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो सिस्टम है जिस वजह से बीच में आपका अक्सर लैग कर जाता है। बाकी ये है कि सुने जो इसकी LC300 आई है उसमें ऑब्वियसली एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले आपको मिल जाता है, इस वाली में वो फंक्शन नहीं है। इसमें बेसिक आपके पास मैप्स वगैरह आ जाते हैं और टीवी नेविगेशन की ऑप्शन दी जाती है। देन नीचे आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल देख सकते हैं, ऑब्वियसली ZX फुल ऑप्शनल है तो इसमें ये इसके क्रॉल कंट्रोल, हाइट एडजस्टमेंट और डिफरेंट ऑप्शन दिए गए। इसके मोड्स आ गए, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉक, सेकेंड गियर स्टार्ट, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स और ऑब्वियसली फुल ऑप्शनल गाड़ी है। देन इसमें आपके पास डॉल्बी का साउंड सिस्टम दिया जाता है और जिसकी आवाज़ बहुत ही बेहतरीन है। इसका साउंड चेक मेरे इंस्टाग्राम पे दिया होगा, इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो। सो ये थे आज की बेसिक से इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपसे मुलाकात होगी किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।